अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नैनीताल पुलिस अब आपका मोबाइल आपको वापस खोज कर देगी। साल 2022 में 2 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल नैनीताल पुलिस ने रिकवर किए हैं और साल 2023 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो 80 लाख रुपए के मोबाइल अभी तक नैनीताल पुलिस रिकवर कर चुकी है। बस आपको अपने मोबाइल गुम या चोरी होने पर सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन या चौकी पर शिकायत दर्ज करानी होती है। आपकी शिकायत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आपका मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। जैसे ही मोबाइल ऑन होता है उसके बाद लोकेशन पुलिस को मिलती है तो पुलिस आपका मोबाइल आपको खोज कर वापस देती है। मोबाइल खोने या गुम होने की चिंता का हल नैनीताल पुलिस ने निकाला है और अब तक कई गुम हुए मोबाइल को वह अपने मालिकों को लौटा चुकी हैं। अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है तो आप हल्द्वानी कोतवाली में बने मोबाइल ऐप पर भी सूचना दे सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आपका फ़ोन गुम होता है तो तुरंत आप उसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद मोबाइल ऐप की टीम आपके मोबाइल को खोजने का काम शुरू कर देती है। आपका मोबाइल सर्विलांस पर मोबाइल ऐप की टीम द्वारा लगा दिया जाता है। जैसे ही आपका मोबाइल ऑन होता है या फिर कहीं लोकेशन पर आता है तो मोबाइल ऐप की टीम द्वारा उस मोबाइल को रिकवर कर लिया जाता है और आपका फ़ोन आपको आसानी से मिल जाता है। नैनीताल पुलिस लगातार इस मुहिम को चला रही है और नैनीताल पुलिस अभी तक करोड़ों रुपए के मोबाइल जनता को लौटा चुकी है। नैनीताल SSP पंकज भट्ट का कहना है कि पुलिस लगातार खोए हुए फ़ोन खोजने का काम करती है। नैनीताल SSP पंकज भट्ट का कहना है कि नैनीताल पुलिस की मोबाइल ऐप की टीम लगातार खोए हुए मोबाइल खोजने का काम करती है और नैनीताल पुलिस अब तक करोड़ों रुपए के मोबाइल फ़ोन लोगों को वापस कर चुकी है। साल 2022 में 2 करोड़ के मोबाइल ऐप नैनीताल पुलिस ने रिकवर करे हैं और जुलाई 2023 अभी तक 80 लाख रुपए के मोबाइल पुलिस रिकवर कर चुकी है। ज़्यादा जानकारी देते हुए SSP पंकज भट्ट ने बताया कि अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया या चोरी हो गया है तो आप अपने नज़दीकी कोतवाली चौकी थाने कहीं पर भी मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद मोबाइल ऐप की टीम आपका मोबाइल खोजने का कार्य करती है और आपका मोबाइल मिलते ही आपको वापस लौटा दिया जाता है। इस साल जुलाई तक 550 मोबाइल जिनकी अनुमानित लागत 80 लाख से ऊपर है वो अभी तक मोबाइल रिकवरी टीम द्वारा बरामद किए गए हैं और इसके अतिरिक्त तो पिछले साल 2.5 करोड़ के मोबाइल पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। मोबाइल रिकवरी टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है और जल्दी एक और खुलासा हम लोग इसमें करेंगे मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।